लिखा हुआ है ये? मिस प्रिंटिंग है या कुछ और? मैं बता दूं? तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। अच्छा, पढ़ रही हूँ मैं तो, सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी, अगर आपका नहीं दिख जा रहा तो। अच्छा, तुम्हें समझ आ रहा है सर? सोबिया, सोबिया जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे चलो तो सही, एक बड़े मजे की चीज आई है। क्या आया है ताहिर, बताओ। अरे तुम चलो, सरप्राइज है। चल। अच्छा खासा पढ़ रही थी, आगे तुम इसको उठाने के लिए हो गई पढ़ाई। पापा आ रही हूँ। सोबिया रुको तो, सोबिया। करूं मैं तुम्हारे लिए, यहां तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ए मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत अदा कर दे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? कैसा है? अच्छा है। कितने का है? पता नहीं, लेकिन महंगा है। मुझे भी ऐसा लैपटॉप चाहिए। चाहिए क्यों? इसको तुम अपना ही समझो, जब दिल करे आ जाना। अब मैं बार बार तो नहीं आऊंगी ना तुम्हारे घर। क्यों, तुम्हें कौन रोकेगा? अम्मी और आपा मुझे बार बार नहीं आने देंगे। अब तो मामी से ये ना कहना कि तुम्हें भी लैपटॉप लेके दें। वाह भाई, क्यों, तुम्हें भी तो चित कर लैपटॉप मिलाए ना, देखना मैं भी अम्मी को कहूंगी। सोबिया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम देखना, मैं अम्मी को कहूंगी, वो मुझे लाकर देंगी। कहाँ जा रही हो सोबिया? घर। सोबिया क्या हो गया, बात तो सुनो, बैठो यहाँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अबू हैं, मेरे अबू नहीं हैं, तो मुझे कोई चीज नहीं मिलेगी। देखना मैं अपनी अम्मी को कहूंगी, वो मुझे इससे भी अच्छा नया लैपटॉप लेकर देंगी। सोबिया मैं नहीं आ रही। मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। रशीदा आपा, मैं अपना जवाब पहले ही भाई को बता चुकी हूँ। हाँ तो तुम्हारा जवाब ना तो मुझे मुनासिब लगा है और ना ही मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए वो सही है। तुम्हारा जवाब सुनने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। आप मेरे लिहाज से भी तो सोचे ना, मैं कैसे तुम्हारे लिए तो सोच रही हूँ। आसिफ को बाप के प्यार की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हैं रशीदा आपा, कोई और शख्स मेरे बेटे को बाप का प्यार कैसे दे सकता है? आसिफ को बाप के प्यार के साथ उसकी मौजूदगी के एहसास की जरूरत है। तुम तो अपनी जिंदगी गुजार लोगी और अगर आसिफ की जो छोटी छोटी जरूरियात हैं ये पूरी हो जाएं, तो उसकी शख्सियत सवर नहीं जाएगी। पहले मेरी बात सुन लो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मेरा भाई तुम्हारे बेटे की बाप की जगह पूरी कर सकता है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आसिफ को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सोचो मनीरा, तुम्हारा अपना घर होगा, अपना। आसिफ बेहतरीन तालीम हासिल करेगा, बेहतरीन नौकरी उसको मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारे बेटे की। बस अभी फैसला तुमको करना है कि तुम यहाँ पर सरदार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो या अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हो। अब देखो किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रही है, बस उसको अपने बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है। वैसे तो लड़कियों की भी कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें देख के मुझे यूं लगता है कि तुम उसकी जिंदगी सवार दोगी।